तो प्रो कबड्डी में आज हमें दो मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आसाम के पहले मैच की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि हरियाणा और दबंग दिल्ली के बीच होने वाला आसाम का पहला मैच। वहीं हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड मुकाबले में एक ही सीजन मतलब इस सीजन में एक ही मैच खेला गया जहाँ पर दबंग दिल्ली की टीम ने जीत पाई थी। वहीं रिसेंट मैचेस पर ध्यान दीजिए जहाँ पर हरियाणा स्टील अपना पिछला मैच हार कर रही है, जो कि पुरंडी पट्टा की टीम ने इन्हें हराया। वहीं दबंग दिल्ली अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है, जो कि कल ही मैच था इनका और पटना पायस को इन्होंने हराया। तो यहाँ पर दबंग दिल्ली की टीम अपना पिछला मैच जीत कर आया और हरियाणा स्टील अपना पिछला मैच हार कर आया और हेड टू हेड के मुकाबले में दबंग दिल्ली की टीम ने जीत पाई है। तो उसका बदला आज जरूर लेना चाहेगी, क्योंकि दोनों टीमों को जरूरी है, बहुत ही जरूरी है इस मैच को जीतने के लिए। तो कौन सी टीम इस मैच को जीत पाएगी, तो वीडियो में आपको बताते हैं और फैंस रोड पर नज़र डालने वाले हैं। तो वीडियो तो मोस्ट होने वाले, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर लिया आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दोनों टीमों के स्टार्टिंग सेवन को देखते हैं, जो कि दबंग दिल्ली के स्टार्टिंग सेवन में कुछ चेंजेस हमें नज़र आने वाले हैं और यह चेंजेस बहुत ही बेहद मतलब पिछले मैच में अच्छा किए थे, जो कि अगर देखते हैं जहां पर नवीन दीपक, उसके बाद विशाल लाथर, आसू मलिक, उसके बाद विजय मलिक, यहां पर अमित हुड्डा, संदीप, जो कि तीन चेंजेस हमें कल के मैचेस में देखने को मिले थे, जैसा दीपक, उसके बाद अमित हुड्डा, संदीप, यहां पर तीन चेंजेस देखने को मिले थे और अच्छा परफॉर्मेंस रहा था डिफेंस का और मैच जीते थे। जो कि अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए जहाँ पर नवीन अच्छा नहीं कर पाए थे, एक ही रेट पॉइंट करने में सफल रहे थे। उसके बाद दीपक ने दो टैकल किया था और विशाल लाथर ने पाँच टैकल किया था। उसके बाद आसू रेडिंग सपोर्ट में रेडिंग में एक ही रेड पॉइंट वो भी लाए थे। वहीं पर विजय मलिक का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, सात रेड पॉइंट करने में सफल रहे थे। वहीं पर अमित हुड्डा ने हाई फाई लगाया था, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा था अमित हुड्डा का, पांच रेड टैकल किए थे। वहीं संदीप धूल एक ही टैकल किए करने में सफल रहे थे पिछले मैच में। तो यहाँ पर डिफेंस थोड़ा अच्छा हमें देखने को मिला था और मैच जीती थी, जो कि नवीन नहीं चल पाए थे, ना ही आंसू चल पाए थे। तो डिफेंस बहुत ही तगड़ा हमें देखने को मिला था पिछले मैच में, जो कि विशाल लाथर और अमित हुड्डा का हाई फाई हमें देखने को मिला था, दोनों हाई फाई लगाए थे पिछले मैच में। वहीं संदीप धूल एक टैकल करने में सफल रहे थे, विजय मलिक अच्छा कर रहे थे। वहीं अगर बात करें हरियाणा स्टील की स्टार्टिंग सेवन, तो स्टार्टिंग सेवन में हमें देख सकते हैं यहाँ पर मनजीत, मोहित नंदल, जयदीप दहिया, मीतू शर्मा, जोगिंदर नरवाल, अमीर हुसैन बस्तमी, उसके बाद नितिन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं स्टार्टिंग सेवन में। हालांकि पाँच डिफेंडर दो रेड ए लेकर चल रहे हैं और पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात करें जहाँ पर पिछला मैच तो हार कर ही आ रहे हैं, तो पिछले मैच में मनजीत नहीं चल पाए थे, जो कि दो ही रेड पॉइंट करने में सफल रहते ए, और उसके बाद मोहित नंदल एक ही टैकल नहीं कर पाते, एक भी नहीं कर पाते। उसके बाद जयदीप ने तीन टैकल किया था। हालांकि जयदीप का परफॉर्मेंस हर मैचेस में देखने को मिल रहा है इनकी टीम की तरफ से, और मीतू सपोर्टेड में चार रेड पॉइंट करने में सफल रहते। वहीं नितिन की बात की जाए एक रेड पॉइंट इनके नाम भी था, हालांकि टैकल मतलब टैकल किए थे। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर अमीर हुसैन बस्तमी की, तो अमीर हुसैन बस्तमी ने तीन टैकल किया था। हालांकि अमीर हुसैन बस्तमी का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था पिछले मैच में। वहीं जोगिंदर नरवाल भी अच्छा किए थे, जो कि दो टैकल किए थे। तो यहाँ पर डिफेंस में और रेडिंग में मतलब दोनों ही अच्छा नहीं कर पाए थे और इनकी टीम को हारना पड़ा था पिछला मैच, जो कि मनजीत अगर चलते तो यहाँ पर कुछ चांसेस रहते जीतने के, लेकिन वो भी नहीं चल पाए थे। वहीं अगर बात करें कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि दबंग दिल्ली को देखा जाए पिछले मैच के दौरान, तो यहाँ पर दबंग दिल्ली की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, जो कि अमित हुड्डा और संदीप धूल, विशाल लाथर अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद दीपक भी न्यू प्लेयर अच्छा कर रहे हैं डिफेंस में, और नवीन गोयल आज के मैच में जरूर चलेंगे। तो यहाँ पर दबंग दिल्ली की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। हालांकि मनजीत नहीं चल पाए, नहीं मीतू चल पा रहा है, इनका डिफेंस भी नहीं चल पाया। हालांकि जयदीप और उसके बाद जोगिंदर, अमीर हुसैन बस्तमी यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफेंस के मामले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है दबंग दिल्ली की टीम। वहीं अगर बात करें आज के गेम चेंजेस कौन होने वाले हैं, तो आज की गेम चेंजेस में हमें नवीन गोयल नजर आ सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में एक ही रेड पॉइंट करने में सफल रहे थे, लेकिन इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, जो कि इस सीजन अभी तक 15 मैचेस खेले हैं जिसमें से 158 रेड पॉइंट करने में सफल रहे हैं, तो आज की गेम चेंजेस हो सकते हैं। वहीं फैंस वोट पर नजर डाला जाए तो फैंस वोट में देख सकते हैं दबंग दिल्ली को 86% वोट मिला, हरियाणा को 14% वोट मिला। फैंस के हिसाब से यहाँ पर दबंग दिल्ली की टीम जीत पाएगी, हालांकि मेरे हिसाब से अगर इनकी डिफेंस और रेडिंग चला तो दबंग दिल्ली की टीम यहाँ पर जीत पाएगी।